Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Nafees and you are watching to 5G Educators YouTube channel. आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने जी ड्राइव यानी कि गूगल ड्राइव पर अपना इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं. आप 15 GB तक डाटा जो है वो अपना जी ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं. तो किस तरह हम उसको स्टोर करेंगे, अगर हम एक यूट्यूबर हैं तो हम किस तरह कोई भी अपना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर उधर स्टोर करें और किस तरह उसका लिंक दूसरों तक शेयर करें. हम देखते हैं कि अक्सर हमने लिंक शेयर किए होते हैं. अपना डॉक्यूमेंट अगर हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली हम उसको अपना लिंक दे दें और वहां से वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो डाउनलोड कर लें. हम भी अपने इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी गूगल ड्राइव पर रख लें ताकि हम कभी भी अगर जरूरत पड़े तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गूगल ड्राइव से डाउनलोड करें और उनको प्रिंट आउट करें या जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहते हैं उनको. ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूज़ करें, ऑफलाइन करना चाहते हैं उसको प्रिंट आउट ले सकें. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट. आपने क्या करना है कि सिंपली अपने मोबाइल में आपने ड्राइव नाम की एक ऑप्शन, एक एप्लीकेशन है, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से अगर अवेलेबल नहीं है. तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो मोबाइल वीडियो को मुकम्मल देखें. एंड पर मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी अपना डाटा जो है वो जी ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं. तो आप देखें मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेरे गूगल ड्राइव पर पड़े हुए हैं. अगर आप न्यू अपलोड करना चाहते हो ये प्लस का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है अपलोड. अपलोड पर क्लिक की इसके बाद मैं कोई अब आपको इमेज अपलोड करके दिखा देता हूँ. मैं इधर ये कोई ना कोई एक इमेज ये देखिए मैं एक इमेज इधर को इधर ये इमेज अपलोड क्लिक की गई और इस पर मैंने रिज्यूम किया क्योंकि ये वाईफाई के लिए मैंने ऑन किया हुआ था. तो ये देखें फाइल अपलोड होनी शुरू हो चुकी है. ये अपलोडिंग के बाद इधर आ जाएगी और मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप किसको किस तरह शेयर कर सकते हैं, दोबारा किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं. ये मेरी पिक अपलोड हो गई है, अब आपने वापस आ जाना है. इसको रिफ़्रेश करें और देखते हैं हम, ये देखें मेरे पास ये आ गई है. तो इसको आपने अगर शेयर करना है तो आपने इस पर क्लिक करनी है और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर. शेयर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अगर आप इसका लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक भी आप इसका बना सकते हैं, शेयरिंग लिंक ऑफ टर्निंग ऑन. ठीक है, आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं. ठीक हो गया, ये कॉपी लिंक कहाँ यहाँ से करें और जिसको मर्जी ये पेस्ट कर दें और उसकी तरफ ये चला जाएगा. अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड इस पर क्लिक की और ये हमारे पास डाउनलोड होना फ़ाइल शुरू हो जाएगी. ये देखें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल. इसी तरह अब आपको कंप्यूटर पर भी करके दिखाता हूँ. अगर आप वो मैथड देख लेंगे तो आपके पास अगर एप्लीकेशन नहीं भी है मोबाइल में तो आप उस मैथड से अपने कोई भी डाटा जो है जी ड्राइव पर स्टोर करवा सकते हैं. अपने पीसी में ऐसे करना है कि सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है और क्रोम में ओपन करके आपने गूगल ड्राइव लिखना है. आपने इसी तरह अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है तो आपने इसी तरह गूगल क्रोम में जाना है मोबाइल में और इसी तरह आपने ओपन कर लेना है. फर्स्ट लिंक हमारे पास आ गया, इस पर क्लिक करें और ये हमारे पास आ जाएंगी ऑप्शन. गो टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करनी है आपने. ये देखें गो टू गूगल ड्राइव, बिजनेस पर नहीं जाना, पर्सनल पर जाना है. गो टू गूगल ड्राइव, जब मैंने इस पर क्लिक की तो मेरे पास ये गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी. आपने यहाँ पर अपना डाटा जो है वो स्टोर करना है. किस तरह करना है, ये इधर भी प्लस साइन बना हुआ है जिस तरह मोबाइल में प्लस साइन था, हमने क्लिक की थी और हमने फ़ाइल अपलोड की थी. इधर भी मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ एक फ़ाइल को और उसका लिंक शेयर करने का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ. आपने इधर पर क्लिक करनी है प्लस साइन पर और यहाँ पर आप देखें न्यू पर और यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ाइल अपलोड. आपने फ़ाइल अपलोड करनी है कोई भी, आपने सिंपल कोई भी फ़ाइल जो है वो पिक कर लेनी. मैं एक अपनी पिक अपलोड करने जा रहा हूँ सिंपल सिर्फ एग्जांपल के लिए. तो आप इसको अपलोड करें और जब ये अपलोड हो जाएगी तो आपने सिंपल इसका लिंक शेयर कर. फाइल अपलोड हो गई है, इसके बाद आपने नीचे चले जाना है, रीसेंट लिखा हुआ है इधर, ये देखिए माई ड्राइव के नीचे लिखा हुआ है रीसेंट, इस पर क्लिक करें आप और यहाँ से हम अपनी फ़ाइल जो अपलोड की है उसका शेयरेबल लिंक जो है वो हासिल करेंगे. मैंने रिसेंट पर क्लिक की तो देखिए मेरे पास ये फर्स्ट जो मेरी पिक थी मैंने अभी अपलोड की वो आ चुकी है. इस पर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे ऊपर देखें बना हुआ है ये साइन, इस पर आपने क्लिक कर देनी गेट शेयरेबल लिंक और इसको ऑन कर देना है. और ये हमारे पास लिंक आ गया है नीचे, इसको आपने सिंपल कॉपी करके जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं इसको पेस्ट करें और ये आपकी तस्वीर जो है, ये आपकी पिक है, वो डायरेक्टली डाउनलोडेबल लिंक जो है वो क्रिएट हो गया. इसको मैं गूगल में पेस्ट करता हूँ, आप देखें इस तरह ये आ जाएगी. तो आज की वीडियो में यही था. अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियोस पहुँच सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.